हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BBCCG जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं गुड़गांव जिला कोंडवाल छत्तीसगढ़ की तरफ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस वैकेंसी में आई पोस्ट की डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू इसके लिए जो है भर्ती ली जा रही है। पहला पोस्ट अवेलेबल है पशु चिकित्सा सहायक शल्यक के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 अवेलेबल हैं। 7 पुरुष के लिए हैं, 3 महिला के लिए हैं। इसी के साथ इसके लिए अगर बात कर ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ इसकी अगर वॉक इन इंटरव्यू की डेट की बात कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर को इसका वॉक इन इंटरव्यू डेट है। जगह की बात कर ले तो कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। आवेदन पत्र को आपको पंजीयन कराना पड़ेगा 10:30 बजे। इसी के साथ अगले पोस्ट की बात करें तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए 20 पोस्ट अवेलेबल है। 10 हैं हमारे पुरुष के लिए, 4 हैं महिला के लिए। इसी के साथ मुक्त और अन्य पदों के लिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री में है। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है वो 16 दिसंबर को रखा गया है। और इसके लिए भी जो जगह होगा और समय निर्धारित किया है आवेदन पंजीयन का, वो भी सेम होगा पहले वाले पोस्ट की तरह। दोनों पोस्ट की सैलरी की बात कर लें तो सहायक शल्यक के लिए 40,840 रुपये पर मंथ की सैलरी रखी गई है, और अगर बात करें क्षेत्र अधिकारी के लिए तो 18,420 रुपये इसकी पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। अब बात करें आवेदन पत्र की, तो आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे PDF को, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स को उस PDF में पढ़ पाएंगे, या फिर आवेदक राज्य की वेबसाइट www.kondagaon.gov.in में विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके भर सकते हैं, जो कि यही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें और बात कर लें फीस की, DD यानी डिमांड ड्राफ्ट की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं एवं समस्त वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया है। OBC के लिए रखा गया है 300 रुपये, और जनरल वाले या फिर जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए 400 रुपये एंड फीस रखा गया है। इसी के साथ आयु की बात करें तो कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 के अनुसार। इसी के साथ संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण एवं अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ संविदा सिविल सेवा 2012 के सभी नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसमें आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि किन किन दस्तावेजों को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेकर वहाँ पहुँचना है, या फिर आप इस वीडियो को भी पॉज कर करके सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। इसी PDF के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इसे फिल करके। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ।